पुजारिन के इस सवाल पर वहां खड़े सभी लोगों के साथ साथ चेतन ने भी अरुणोदय को शक भरी नजरों से देखा। सभी के सवालिया नजरों को पहचान अरुणोदय सिंह ने हकलाते हुए कहा, वो क्या है ना कि हमारी पत्नी की तबीयत सही नहीं है, तो वो घर पर ही है। आप लोग मुझ पर कैसे शक कर सकते हैं? वो गायब नहीं है, वो घर पर ही है। महेंद्र मेरा बेटा भी घर पर ही है, वो दोनों हैं एक साथ। अरुणोदय के इस तरह से जवाब मिलने पर तांत्रिक ने उसे घूरते हुए देखा। वही पुजारी ने शांति से कहा, नहीं, हम आप पर शक नहीं कर रहे हैं, आप निश्चिंत होकर जाएं। अगर कुछ पता चले तो बताइए हमें। अरुणोदय ने सभी को प्रणाम किया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद तांत्रिक ने कहा, हो ना हो ये आदमी कुछ तो छुपा रहा है, कौन है इसकी पत्नी? पुजारी की पत्नी ने जवाब देते हुए कहा, लावण्या नाम है अरुणोदय जी की पत्नी का। पूरे नगर को पता है कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं, लेकिन कई दिनों से मैंने उनकी पत्नी को देखा नहीं, जबकि वो काल भैरव भगवान की भक्त है और हमेशा मंदिर आती है, लेकिन इधर कई दिनों से आई ही नहीं, तो मैंने पूछ लिया। तांत्रिक दो कदम आगे बढ़ा और बोला, नहीं, कुछ तो बात है इस लावण्या में जो हमें नहीं पता। चेतन, जो इन सारी बातों को सुन रहा था, वो एकदम से उठा और अरुणोदय सिंह को खोजता हुआ वहां से निकल गया। वो तेज कदमों से चलता हुआ उसे ढूंढ रहा था, तभी उसे अरुणोदय सिंह जाता हुआ दिखा, तो वो भी उसके पीछे जाने लगा। कुछ दूर चलने के बाद अरुणोदय सिंह एक घर में घुसा तो चेतन भी धीरे से उसके पीछे चला गया। अरुणोदय भीतर आया तो करीब 10 साल का एक बच्चा दौड़कर उससे आकर लिपट गया और बोला, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? सुबह मेरी आँख खुली तो आप घर में नहीं थे, मुझे डर लग रहा था, आप कहाँ चले गए थे और माँ भी अब तक वापस नहीं आई हैं। अरुणोदय ने बच्चे को शांत कराते हुए कहा, महेंद्र तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अब नहीं जाऊँगा। तुम्हारी माँ ठीक है, बस वो कुछ दिन हमसे दूर रहेगी, फिर मैं उन्हें ले आऊँगा हमारे पास। अभी तुम स्नान कर लो, फिर मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाता हूँ। महेंद्र ने हाँ में सर हिलाया और वहां से चला गया तो अरुणोदय एक कमरे की ओर बढ़ गया। चेतन भी उसके पीछे जाने लगा। वो कमरे में आया और एक संदूक खोलकर उसमें से एक तस्वीर को बाहर निकाला और उदास स्वर में बोला, लावण्या कब तक छिपा पाऊंगा तुम्हारे सच को सबसे? अब तो वो तांत्रिक भी आ पहुंचा है नगर में, कैसे इस सच को सबके सामने आने से बचा पाऊं कि तुम अब इस दुनिया में होकर भी नहीं हो। ये कहकर अरुणोदय ने उस तस्वीर को सीने से लगा लिया और फिर उसे देख जैसे ही उस पर अपना हाथ फेरा, चेतन को तस्वीर देख एक झटका लगा। तस्वीर में अरुणोदय सिंह के साथ माही की शक्ल की औरत थी जिसने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। तस्वीर देख पता चल रहा था कि वो अरुणोदय सिंह की शादी की तस्वीर है। चेतन ने असमंजस की स्थिति में खुद से कहा, तो क्या ये है लावण्या, वो भूतनी जिसकी शक्ल माही से मिलती है? ये है अरुणोदय सिंह की पत्नी लावण्या, यानी कि वीर सिंह और माही की परदादी। ओह, इसलिए इनकी शक्ल माही से मिलती है, जैसे वीर सिंह की शक्ल उसके परदादा अरुणोदय सिंह से मिलती है। लेकिन अरुणोदय सिंह की पत्नी भूतनी कैसे बनी और ये क्या छिपा रहा है सबसे? जहां चेतन सारे उलझे धागों को सुलझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं मंदिर के बाहर खड़े लोगों में से एक ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अरुणोदय सिंह हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं? तांत्रिक ने कहा, हाँ मुझे भी अब उस पर ही शक हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द ये पता लगा लूंगा कि आखिर वो भूतनी है किसके शरीर में। जहां फूलपुर नगर में लोग और तांत्रिक अरुणोदय सिंह और उसकी पत्नी लावण्या के सच को जानने की कोशिश कर रहे थे, वहीं चेतन अब बहुत कुछ जान चुका था। दूसरी ओर हर्षवर्धन और चित्रलेखा एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे थे, क्योंकि कलावती बिना पैसों के किसी मर्द को चित्रलेखा के करीब फटकने भी नहीं दे रही थी। चित्रलेखा को नगर स्त्री की हर भूमिका को ना चाहते हुए भी निभाना पड़ रहा था और हर्षवर्धन चित्रलेखा को इस दलदल से नहीं निकाल पाने के लिए खुद को दोषी मान रहा था। एक दिन कलावती बहुत गुस्से में चित्रलेखा के कमरे में आई
तो चित्रलेखा अपने आभूषणों को उतार रही थी। कलावती ने आकर उसके घुंघरुओं को जमीन पर फेंकते हुए तेज आवाज में कहा, ऐसा कौन सा जादू कर दिया है तुमने कि इस नगर को तो क्या आसपास के सारे नगर के पुरुषों को सिर्फ तुम ही तुम चाहिए। मैं भी तो जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन तुम्हारे कारण अब मेरा रुतबा कम होते जा रहा है। बहुत रोती थी ना तुम कि नगर स्त्री बनना तुम्हारे जीवन का अभिशाप है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि तुम पैदा ही नगर स्त्री बनने के उद्देश्य से हुई हो। कलावती की बात सुन चित्रलेखा ने फीकी हंसी हंसते हुए कहा, कलावती जी, काश ये मेरा शौक होता तो मेरे लिए ये जीवन आसान हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जरा भी आपका रुतबा और आपकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। इस पर कलावती ने तीखे अंदाज में कहा, वो तो देख ही रही हूँ मैं, पहले ये कमरा मेरा था क्योंकि इस हवेली का सबसे खास कमरा है ये, लेकिन तुमने मुझसे ये भी छीन लिया। ऐसी साजिश की तुमने कि मुझे खुद तुम्हें ये कमरा देना पड़ गया और धीरे धीरे तुम मेरे हर हक पर कब्जा जमाती जा रही हो। देखो चित्रलेखा, अपने ये पैंतरे ना बंद करो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी बात कहकर कलावती ने चित्रलेखा के पास से उसके सारे गहनों को समेटा और वहां से पांव पटकती हुई चली गई। तो चित्रलेखा ने दुखी होकर खुद से कहा, मैं कैसे बताऊं कि ये जीवन मुझे नहीं चाहिए, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है। चित्रलेखा ये सोच ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो चौंक गई। उसने पलट कर देखा तो सामने हर्षवर्धन खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ उससे बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। ये कहता हुआ हर्षवर्धन चित्रलेखा के सामने एक तस्वीर रख देता है। चित्रलेखा उस तस्वीर को देख खुश होते हुए बोली, ये तो बहुत सुंदर है। धन्यवाद हर्षवर्धन, मैं कब से अरुणोदय सिंह जी को धन्यवाद देने के लिए एक अनमोल उपहार ढूंढ रही थी। लावण्या भले ही मेरी सखी ना हो, लेकिन वो मुझे बचपन से ही बहुत मानती आई है और शायद इसी वजह से अरुणोदय जी भी मुझे अपना मित्र मानते हैं। ये चित्र जो तुमने बनवाया है इसमें मैं लावण्या की तस्वीर भी बनवाऊंगी और फिर उन्हें भेंट करूंगी। हर्षवर्धन जो बड़े ध्यान से चित्रलेखा की ये प्यारी बातें सुन रहा था, कुछ हद से बोला, उनसे जब तुम मिलोगी तब दे देना, लेकिन ये बताओ कि मुझे कोई उपहार मिलेगा भी या नहीं कभी। चित्रलेखा मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे लिए भी कुछ है मेरे पास, मेरे साथ आओ। वो हर्षवर्धन को लेकर कमरे के कोने में लगे एक बड़े से आईने के पास जा खड़ी हुई और आईने पर बने एक गोल छोटे से छेद को दबा दिया तो अचानक ही वो आईना अपनी जगह से हट गया। हर्षवर्धन ने ये देखा तो हैरान रह गया और बोला, ये कौन सा जादू है और ये है क्या। चित्रलेखा ने खुशी से कहा, ये एक खुफिया कमरा है, मुझे नीमा ने बताया था इस कमरे के बारे में, तो मैंने तुमसे और हमारे प्यार से जुड़ी सारी यादों को इसी कमरे में सहेज कर रखा है, आओ मेरे साथ। चित्रलेखा हर्षवर्धन को लेकर उस कमरे में चली आई और फिर वहां रखे दियो को जला दिया तो कमरे में रोशनी फैल गई। कमरे को देख हर्षवर्धन हक्का पक्का रह गया। उसके मुंह से निकला, सुंदर, अति सुंदर, ये तो किसी जन्नत से कम नहीं है। चित्रलेखा हंसते हुए कमरे के कोने में गई और एक बॉक्स उठा लाई और उसे देते हुए कहा, ये खोलो और देखो। हर्षवर्धन ने असमंजस के साथ उस बॉक्स को हाथ में लेकर खोला तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। उसमें एक कपड़े का छोटा टुकड़ा था जिस पर हाथ से कढ़ाई कर लिखा था हर्ष। चित्रलेखा ने प्यार से कहा, ये मैंने तुम्हारे लिए खुद बनाया है, हमारे प्यार की निशानी। अगले ही पल वो उदास होते हुए बोली, मैं अब इस जीवन से बाहर नहीं निकल पाऊंगी हर्षवर्धन, तो बस तुम मुझसे यूं ही मिल लिया करो, मैं इसी के सहारे अपना जीवन काट लूंगी। उसकी बात सुन हर्षवर्धन ने अपना हाथ दीवार पर जोर से मारते हुए कहा, मन तो होता है कि मैं अपनी जान दे दूं, क्योंकि कर तो मैं कुछ भी नहीं पा रहा तुम्हारे लिए। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपना घर भी अशोक को पैसे देने के लिए गिरवी रख दिया, और तुम यहाँ के जेवरों को हाथ तक नहीं लगा सकती क्योंकि वो कलावती की नजर गिद्ध सी रहती है तुम पर।
हर्षवर्धन को ऐसे उदास और परेशान देख चित्रलेखा ने अचानक ही उसे खींचते हुए कहा, वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारी एक तस्वीर बनाई है। ये कहते हुए चित्रलेखा ने हर्षवर्धन की एक प्यारी सी पेंटिंग को उसके सामने किया तो वो उसे देखता रह गया। उसकी आंखें नम हो गई और वो धीरे से बोला, ये तुमने मेरी तस्वीर कब बना दी? ये तो बहुत ही सुंदर है। चित्रलेखा ने हंसते हुए कहा, बस बना दी, जब भी मन घबराता है यहाँ आकर तुम्हारी तस्वीर से बातें कर लिया करती हूँ। लेकिन मैं ये तुम्हें नहीं दे रही, ये तस्वीर और ये चीजें यही मेरे पास ही रहेगी हमेशा। हर्षवर्धन ने उसकी इस बात पर उसे गले से लगा लिया और बोला, मुझे माफ कर दो चित्रलेखा, मैं हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं कोई ना कोई रास्ता निकालने के बाद ही तुम्हारे पास आऊंगा। हर्षवर्धन ने चित्रलेखा के माथे को प्यार से चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया तो वो भी उसके आगोश में जा सिमटी। दोनों एक दूसरे के गले लगते हुए अपने प्यार के एहसास को जी रहे थे। हर्षवर्धन ने चित्रलेखा के होठों को चूमा तो उसने धीरे से कहा, सच कहूं हर्षवर्धन, तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब तुम्हारे इतने करीब आ गई। शायद मेरे जीवन में जो खालीपन था, जो दर्द था, उस पर तुमने मरहम की तरह काम किया। अब तो मैं तुमसे खुद से भी ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। उसकी बात पर हर्षवर्धन ने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए उसके हाथों को चूमने लगा तो चित्रलेखा उसके प्यार के एहसास से भर उठी। कुछ पल ऐसे ही एक दूसरे में खोए रहे दोनों। जहां चित्रलेखा और हर्षवर्धन का प्यार परवान चढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर चित्रलेखा की बढ़ती ख्याति और अमीरों के बीच उसके बढ़ते रुतबे से कलावती अब और भी अधिक चलने लगी थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। तभी एक रोज उससे मिलने अशोक आया और बोला, कलावती, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे नाक के नीचे वो हर्षवर्धन चित्रलेखा के साथ रोज अपनी रातें रंगीन कर रहा है और बहुत जल्द तुम्हारे सारे धन दौलत को लेकर वो दोनों यहाँ से भागने भी वाले हैं। अशोक की बात सुन कलावती के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा और वो बोली, अंदाजा तो मुझे भी हो गया था उस चित्रलेखा के इरादों का, लेकिन मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, पर अब और देर नहीं होगी, अब मैं उसके साथ अपना हिसाब करके ही रहूंगी। एक तरफ कलावती चित्रलेखा की दुश्मन बनी बैठी थी, वहीं दूसरी ओर 10 दिनों तक भी जब नगर से किसी के गायब होने का पता नहीं चल पाया तो पुजारी, तांत्रिक और नगर के कुछ लोगों ने मिलकर एक योजना बनाई। तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, उस भूतनी को सामने लाने के लिए मेरे पास एक उपाय है, उसे हम अपने जाल में फंसाएंगे और फिर उसका खात्मा कर देंगे। तांत्रिक ने पुजारी और कुछ लोगों के साथ मिलकर बड़ी गंभीरता पूर्वक कुछ देर तक बातें की और फिर सभी ने सहमति में हाँ कहा और वहाँ से चले गए। चेतन, जो ये सब देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि तांत्रिक करने क्या वाला है। उसने कहा, तांत्रिक भी कहीं चित्रलेखा की तरह लावण्या के साथ भी वैसा ही बुरा सलूक तो नहीं करने वाला। अपने प्रेजेंट में तो मैंने खूनी वधु को बचा लिया, लेकिन यहाँ मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैं यहाँ सच जानने आया हूँ तो मैं सिवाय देखने के कुछ और कर भी नहीं सकता। गॉड प्लीज हेल्प हर। चेतन की आंखों में लावण्या के लिए चिंता साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि नियति को कोई बदल नहीं सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। और इसलिए लावण्या और चित्रलेखा के जीवन में जो कुछ भी होने वाला था उसे कोई भी बदल नहीं सकता था। उस दिन की अगली रात को तांत्रिक जंगल से बाहर ही कुछ सामग्रियों को लेकर किसी विधि की तैयारी में लगा था। तभी पुजारी जी वहाँ आए और बोले, मित्र, एक बात सोच रहा हूँ, उस भूतनी ने सवाए जमींदार के अब तक किसी की जान नहीं ली, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उसके साथ ये करके गलत कर रहे हैं? हो सकता है कि वो वापस चली गई हो। पुजारी की बात पर तांत्रिक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पुजारी जी, वो कहीं नहीं गई है, बस मौके की तलाश में है। मैं जान चुका हूँ कि उसने किसका शरीर लिया है, बस आज उसे सबके सामने लेकर आऊंगा और फिर उसे खत्म कर दूंगा। और इसमें गलत क्या है, मेरा तो काम ही यही है
कि भूत प्रेतों को भगाऊं और लोगों की रक्षा करूं? क्या तुम ये चाहते हो कि किसी की जान जाए और तब हम कोई कदम उठाए? पुजारी ने तांत्रिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तांत्रिक के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा, आज तेरा सच सामने आएगा लावण्या। क्या करने वाला है तांत्रिक लावण्या के साथ? कौन सा सच आने वाला है सामने? जानने के लिए सुनते रहिए खूनी।